नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के चैनल के माध्यम से आपको बखोरापुर मंदिर में हूँ और यहाँ से मैं आज से एक नई शुरुआत करता हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो कि विशेष हैं उसका दर्शन भी कराते जाऊँ और आप लोगों को भेंट भी कराते जाऊँ। यहाँ पे मैं बखोरापुर में हूँ और बखोरापुर में देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे सजा हुआ सारा चीज़ है। काफ़ी फेमस मंदिर हो चुका है यहाँ पे और ये मंदिर जो है कि बिहार लेवल पे और सारे जगहों पे काफ़ी प्रधानता मिल रही है। माता रानी के लिए यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और दूर दूर से आके अपनी मन्नत पूरी करते हैं और मन्नत पूरी करने के सिलसिला में जहाँ तक मुझे भी, मैं भी आज यहाँ पे दरबार में हूँ और आज भी लगा चुका हूँ। बाकी आप लोगों को दर्शन कराने के लिए थोड़ा सा मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर इसका आनंद उठाएंगे। देखिए छोटी छोटी दुकान भी लगे हुए हैं, काफ़ी बच्चों की भीड़ भी है और लोग यहाँ पे अपनी अपनी मनपसंद ख़रीदारी कर रहे हैं। पूजा का सामान के साथ साथ बच्चों के लिए बहुत सारे चीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर। अभी माताओं और बहनों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ बनाया गया है, सजाया गया है। अभी तो काफ़ी फेमस हो चुका है ये मंदिर, तो यहाँ पे होटल्स वगैरह की भी अच्छी खासी व्यवस्था हो गई है। बाहर से लोग आते हैं और बाहर से लोग आके यहाँ पे इंजॉय करते हैं और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा कि बखोरापुर मंदिर के बारे में बोला जाता है कि ये बढ़ारा प्रखंड में है जो कि गंगा के काफ़ी नज़दीक है। गंगा नदी यहाँ से 1 किलोमीटर के रेंज में है और वो बहती है और बरसात में और बाढ़ के समय में इस प्रांगण में काफ़ी पानी आ जाता है और धीरे धीरे फिर बाढ़ की जाने के बाद फिर से मंदिर का स्वरूप उसी तरह हो जाता है। अभी देखिएगा, मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ, धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पे जूता चप्पल स्टैंड भी बनाया जा चुका है। खाने की भी कुछ कुछ व्यवस्था है जो कि आप चाट वगैरह यहाँ से खा सकते हैं। जलेबियाँ, गर्म गर्म जलेबियाँ भी अवेलेबल हैं और माँ काली मंदिर में जाने का रास्ता यही है, देख सकते हैं आप। गेस्ट हाउस में जाने का रास्ता उधर से है जो कि गेस्ट हाउस है। काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करके अपने अपने मनपसंद चीज़ें खरीद रहे हैं। काफ़ी देख रहे होंगे आप कि कितना बड़ा मंदिर और कितना बड़ा स्वरूप लेते जा रहा है ये मंदिर का। देखिए छोटी छोटी दुकान जो लगे हुए हैं यहाँ पे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार की ये खासियत है कि लोग अभी कहीं भी रहते हैं अपनी विशिष्टता को पहचान दे देते हैं। यहाँ पे भी है उसी तरह से, ग्रामीण लोगों का एक दौर है, ग्रामीण लोग यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। चूँकि ये आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तो समझ सकते हैं कि आने जाने की यहाँ पर कुछ खास परेशानी नहीं होती है। अब तो 4 लेन हो चुका है यहाँ पर, इजी वे में आप पहुँच सकते हैं। बाकी देखिए आधुनिक मार्केट कॉम्प्लेक्स एंड गेस्ट हाउस भी इस पवित्र स्थल पे बनाए जा चुके हैं। अभी मैं मंदिर में प्रवेश करूंगा, मंदिर में जाके आपको लाइव दर्शन कराऊंगा। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है, प्रवेश होती है। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, साथ साथ मैं भी यहाँ पे जूता चप्पल भी रखा हुआ है। एक बात, ये जाने का रास्ता है खास करके शरदीय नवरात्र और नवरात्र की ज़्यादा भीड़ होती है, लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी लाइव होने का कारण ये है कि ये देखिए ये प्रांगण है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है, यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी स्पेसियस मंदिर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भव्य माँ काली मंदिर ट्रस्ट बखोरापुर अपने आप देख रहे हैं लाइव, तो इसको देख सकते हैं। अभी मैं गेट से अंदर जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली मंदिर का गेट बंद हो चुका है तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ये ज़रूर ओपन होगा, करीब करीब हाफ एन आवर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी लोग कतार में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के जाने के लिए। और ये जो मंदिर है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू रिचुअल्स के अनुसार 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और फिर 2 बजे के बाद शायद खुलते हैं, तो अभी फ़िलहाल तो टाइमिंग है हाफ एन आवर के बाद मंदिर का प्रांगण का गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। लोग देखिए कितने कतार में खड़े हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए।
सो जस्ट इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट प्लेस दैट इज बिकॉज सो मेनी पीपल आर सिटिंग स्टैंडिंग हियर एंड सीइंग ऑल दोज थिंग्स एंड गेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ माता रानी. सो सी आफ्टर वाइल आई विल कम नेक्स्ट. राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू आप लोग को परिसर में दिखा दूँ कितना बड़ा परिसर है और इधर से भी काफ़ी स्पेस है. तो देखिए अभी काफ़ी बारिश हो जाने की वजह से मौसम भी काफ़ी खुशनुमा हो गया है. लोग अच्छे से यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं. गर्मी का दिन है और गर्मी के टाइम पे जानते हैं कि कितनी गर्मी होती है. तो अभी फ़िलहाल में बारिश हो जाने की वजह से सारा चीज़ गीला हो चुका है. लोग आराम से यहाँ पे आ जा रहे हैं. ये है यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक स्टेज बना हुआ है जहाँ से माता रानी को बहुत सारे अवसरों पे यहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है. लोग यहाँ पे आके अच्छे अच्छे कलाकार और बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आके परफॉर्मेंस देते हैं और इस स्टेज से माता रानी के लिए बहुत कुछ गाते हैं उनके सम्मान में उनकी याद उनके लिए. तो अभी तो गेट बंद हो चुका है. जय माता दी. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा चीज़ जैसे आहुति वगैरह दी जाती है यहाँ पे होम होता है. लोग देखिए अभी भी इसमें लगे हुए हैं और लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं. फिर से मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ जाने की. देखो गेट फिर से ओपन हुआ है नहीं हुआ है. अनफॉर्चुनेटली अभी भी गेट ओपन नहीं है और फिलहाल में मुझे वेट करना पड़ेगा. और मैं देखिए लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है. लोग बहुत सारे प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं क्योंकि हिंदू रिचुअल्स के अनुसार जिस मंदिर में हम जाते हैं वहाँ पे करीब करीब 5 या 7 बार मंदिर का परिक्रमा करते हैं. तो ये परिक्रमा स्थल है. यहाँ से लोग परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके अपनी माता रानी के प्रति प्रेम और माता रानी के प्रति अपना लगाव या स्नेह जो भी है वो दिखाते हैं. तो ये परिक्रमा करने का स्थल है. मैं पीछे से फिर आगे की ओर जा रहा हूँ और ये देखिए मैं फिर मंदिर के सामने वाले गेट के पास आ रहा हूँ. पहुँचूँगा यहाँ से ऊपर जाके. जैसा कि गेट बंद है अभी भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे. अभी दोपहर का टाइम है. लगभग 1 बजने वाला है और लोग अपनी श्रद्धा के साथ माता रानी की दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं. बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. और यहाँ की एक बात और विख्यात है. माना जाता है कि यहाँ पे चूँकि गंगा का बहुत पास में है गंगा नदी तो इसलिए इस दर्शनीय स्थल को और भी शुद्ध माना गया है. क्योंकि हर साल बाढ़ की वजह से गंगा का पानी यहाँ पे आता है और पानी होने की वजह से इस पूरे वातावरण को इस पूरे एरिया को बहुत शुद्ध कर देता है. जैसे कि हम मानते हैं हिंदू लोग और हिंदू धर्म में कि गंगा का पानी ही बहुत सारे आपके पाप को धोल देता है. तो एक तो माता रानी का स्थान है यहाँ पे माता जी विराजमान है साथ साथ गंगा का पानी आ जाता है. तो सोचिए कितना पवित्र स्थल है ये. और इस पवित्रता के बारे में कुछ भी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती. धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अब पट खुलने वाला है और लोग खड़े हैं कतार में. जो दान पेटी है जो कि हर मंदिर में रहता है यहाँ पे भी है. बखुरापुर वाली मंदिर जय माँ काली बखुरापुर वाली पवित्र दान पेटी. बहुत सारे श्रद्धालु बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं. ये सारे दान पेटी हैं. तो दोस्तों आज जो मैंने ये विशेष स्टार्ट किया है करना जिस जहाँ पे जाऊँ कुछ विशिष्टता के साथ
जो चीज़ें हैं उसकी दर्शन आप लोगों को कराते रहूं, लोगों को बैठे बैठे घर पे हर वो परिदृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो आप बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मैं लाइव हूं, अभी भी आप कमेंट दे सकते हैं और अपने कमेंट्स के द्वारा अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी मैं 10 मिनट से लाइव हूँ, लेकिन अभी तक मंदिर का गेट पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। चलते हैं फिर से दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, लोग कैसे इंतज़ार में हैं। और इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो हम लोग भी इंतज़ार में हैं। और बस एक बार मैं तो दर्शन कर चुका हूं, लेकिन आपके लिए मैं फिर से मंदिर के प्रांगण में हूं और आपको एक बार फिर से दर्शन कराना चाहता हूं। दर्शन करने के बाद आप बैठे बैठे बखोरापुर वाली मंदिर माता रानी के बारे में देख सकते हैं और जान सकते हैं। एक काफ़ी प्राचीन मंदिर हुआ करता था, कभी पहले काफ़ी छोटे स्तर पे था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका रूप स्वरूप जो है काफ़ी विख्यात होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। काफ़ी इस पे लोग अपनी इच्छा अनुसार दान और स्वरूप दान स्वरूप में जो दे रहे हैं वो तो है ही है, बाकी यहाँ की जो कमेटी है वो भी काफ़ी इस पे तत्पर है और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होते रहता है। ये बाहर का सीन है जो कि मैं फिर से आपको दिखाऊं। बारिश हो जाने की वजह से काफ़ी सारे जगहों पे पानी लग गया है, और देखिए पानी का पानी भी है और कीचड़ भी है, चूँकि मंदिरों में जाने के समय देखिए कितना, अभी बरसात होने के बाद भी कितना साफ़ सुथरा और अच्छा दृश्य है। अभी भी देख रहे हैं कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, लोग हैं। अभी देखते हैं बाहर जो है, देखिए बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ से बाहर जाते हैं, और कुछ जो है यहाँ पे लोग अपने मन्नत के अनुसार आते हैं और यहाँ पे आके जो है माता रानी को यहाँ पे अपना नारियल का जो होता है वो चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए नारियल का स्पेस बना हुआ है, यहाँ उसको फोड़ा जाता है और उसके प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे शिव मंदिर में भी जाने के लिए जल और जल रखा हुआ है, जिस जल से आगे सूर्य शिव मंदिर है, वहाँ पे शिव मंदिर में जाके लोग शिव मंदिर में पूजा करते हैं। ये देखिए यहाँ भी छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं, दुकान है जो कि ख़रीदारी करने के लिए बने हुए हैं। और आगे मैं देखता हूँ, देखो शिव मंदिर और सूर्य मंदिर दोनों बोला जाता है कि इसमें है। काफ़ी बड़ा ये एरिया में फैला हुआ है पूरा मंदिर, मैं अगर दिखाऊं तो ये करीब करीब देखिए ये सूर्य मंदिर भी है, यहाँ पे पानी है, लोग यहाँ पे छठ होता है तो काफ़ी अच्छा वातावरण रहता है, काफ़ी शुद्ध है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी पायस और पवित्र जगह हो चुका है। अभी शिव मंदिर में भी मैं जाऊंगा, ये सूर्य मंदिर है, यहाँ पे शिव मंदिर और सूर्य मंदिर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। देखिए बगल में कितने सारे खेत हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई पड़ रही है। ये पानी थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि काफ़ी गर्मी का समय है, इसलिए पानी की किल्लत चल रही है, तो थोड़ा मोड़ा तो असर होता ही है, पता ही है आपको। ये सूर्य मंदिर, अभी यहाँ पे भी सूर्य मंदिर में भी पट को बंद कर दिया गया है क्योंकि टाइमिंग है। देखिए वहाँ से छठ की पूजा को किया जाता है, वहाँ पे लोग चबूतरे टाइप के बने हुए हैं, वहाँ पे पानी का स्वरूप है, पानी है। और ये साईं बाबा हैं, साईं बाबा भी यहाँ पे विराजमान हैं। जय साईनाथ, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ये देखिए काली कालेश्वर महादेव मंदिर में जाने का रास्ता है यहाँ से, और इसमें ये एक बैठने का स्पेस बनाया गया है, जो श्रद्धालु आएंगे, भीड़ होगी, बहुत सारे भीड़ हो जाने की वजह से यहाँ पे स्पेस बना हुआ है बैठने का। तो काफ़ी काफ़ी कुछ किया जा चुका है इस मंदिर में।
जो कि भोजपुर से आरा हेड क्वार्टर से 16 किलोमीटर की दूरी पे है, और बड़हरा जिसको माना जाता है कि ये प्रखंड है, पानी से और गंगा के जल के वजह से काफ़ी हमेशा यहाँ पे बाढ़ आती रहती है। शिवलिंग है यहाँ पे, देखिए शिवलिंग अभी हाल में इसको स्थापित किया गया है इस मंदिर को, और काफ़ी तेज़ी से इस मंदिर का विकास हुआ है। शनिदेव, अक्सर हाँ यहाँ पे जो नवरात्रि का टाइम होता है तो काफ़ी भीड़ होता है, और श्रद्धालु यहाँ घंटों आके पूजा करते हैं, अपना बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं इस प्रांगण में। और यहाँ से देखिए, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ पूरे मंदिर को, तो मैं पर 15-16 मिनट में आपको दर्शन करा चुका हूँ, और मुझे लगता है कि आपने पूरी तरह से देख भी लिया है कि कितना बड़ा मंदिर ये हो चुका है। और पहले काफ़ी छोटा सा स्पेस था यहाँ पे, काफ़ी छोटे मंदिर हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल बन चुका है। एक अभी मैं स्टेयर से नीचे उतर रहा हूँ, फिर देखता हूँ चल के कि माता रानी का पट खुला या नहीं खुला, नहीं तो फिर मुझे बैक होना होगा। काफ़ी देखिए दूर दूर तक, एक बार फिर मैं कोशिश करूँगा जाके मंदिर में, जो कि भीड़ भी काफ़ी हो चुकी होगी। अभी भीड़ नहीं होने की वजह से हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाए, और सारा चीज़ आपको मैं लाइव दिखा पा रहा हूँ। देखते हैं अभी मंदिर का पट खुला है या नहीं खुला है। बस पहुंचने वाला हूं मेन मंदिर में मैं। बारिश हो जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा कीचड़ हो गया है, और थोड़ा सा स्लिपरी हो भी स्लिप मतलब पैर भी स्लिप कर रहा है, तो मंदिरों में ये तो आम बात है कि ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से फिसलन हो जाती है। फिर भी अंदर का मंदिर जो देख रहे हैं आप, पूरी तरह से साफ सुथरा है। देखते हैं अभी भी मंदिर का गेट नहीं खुल पाया है। देखिए मंदिर के मैं बिल्कुल पास हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कुछ और टाइम लगेगा। तो आप ऑलमोस्ट मैंने पूरी तरह से मंदिर का और मंदिर के बारे में आपको बता दिया है, बस आप जहाँ पे हैं जैसे हैं वहाँ से आप माता रानी को याद कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड इस अवसर पे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। जय माता दी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।